नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की उदया तिथि तृतीया और बुधवार का दिन है। आज देर रात 1:21 तक रवियोग रहेगा। साथ ही आज देर रात 1:21 तक पुष नक्षत्र रहेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि यही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 22 जून की शाम 5:28 से भोर 4:18 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्ध योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 25 जून की सुबह 10:11 से लेकर अगली सुबह 5:14 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो गया है। ये मुहूर्त सुबह 5:54 पर शुरू हुआ था और दोपहर बाद 3:40 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 जून की सुबह 5:55 से सुबह 10:41 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 जून की सुबह 10:11 से दोपहर पहले 11:42 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो गया है। ये मुहूर्त सुबह 5:24 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:41 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:58 से दोपहर 2:14 तक भी रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:54 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:11 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 12:28 से शाम 7:22 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:24 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:41 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:58 से दोपहर बाद 3:10 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 5:24 पर शुरू हुआ था और सुबह 9:41 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर पहले 11:58 से दोपहर बाद 3:10 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिली जुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति सामने से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज शाम 6 अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 पहले और 12 बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा दोपहर 12:22 से दोपहर 2:07 तक। मुंबई दोपहर 12:40 से दोपहर 2:19 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:24 से दोपहर 2:10 तक।
लखनऊ 12:07 से 1:51 तक, भोपाल 12:21 से 2:03 तक, कोलकाता 11:38 से 1:19 तक, अहमदाबाद 12:40 से 2:22 तक और चेन्नई में राहुकाल होगा आज 12:10 से 1:46 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम और उत्तर। आज घर से निकलकर उत्तर पश्चिम या उत्तर दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन फायदेमंद रहेगा, किसी काम से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। सफलताएं छोटी ही सही लेकिन निरंतर बनी रहेंगी, भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी। इस राशि के जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं आज उन्हें बढ़िया जमीन अच्छे दामों पर मिल सकती है। आमदनी की आय प्राप्ति के साधनों में बढ़ोतरी हो सकती है। लवमेट्स के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। विद्यार्थियों को आज किसी प्रतियोगी परीक्षा का बेहतर परिणाम हासिल होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत बेहतर रहेगी। इस राशि के विद्यार्थियों को आज करियर के मामले में कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। अपने से बड़ों की बातें गौर से सुने, वो किसी न किसी रूप में आपके लिए फायदेमंद होंगी रहेंगी। इस राशि के जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं आज समाज में उनका मान सम्मान बढ़ेगा। आज के दिन मछलियों को दाना डालें, आपको सभी कामों में सफलता मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। व्यावसायिक कारणों से शारीरिक परिश्रम व दौड़ धूप बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में अपने प्रयासों के चलते आपको लाभ हो सकता है। घर में खुशी का माहौल बन सकता है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। आज बच्चों के पुरस्कार वितरण समारोह में बुलावा आपकी खुशियों को दोगुना कर देगा। शारीरिक दृष्टि से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आज के दिन मंदिर के बाहर जरूरतमंद को पानी दान करें। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहने वाला है। किसी दोस्त से फोन पर देर तक बातचीत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता में बीतने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको काफी हद तक सफलता मिल सकती है। आज अपने काम में कुछ ज्यादा व्यस्त हो सकते हैं। सही और गलत फैसले में आपकी उलझनें बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आज आप आलस्य महसूस करेंगे। कुछ नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं जो आने वाले दिनों में आपकी मदद करेंगे। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आपके सहकर्मी और सीनियर्स आपके बारे में बातें कर सकते हैं। नियमित कामकाज में मन कम लगेगा। कार्यक्षेत्र में कोई जरूरी काम पूरा होने में समय लग सकता है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें। राजनीति से जुड़े लोगों को आज पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लवमेट से आज आपको उपहार मिलेगा, इससे आपका मन पूरे दिन प्रसन्न रहेगा। दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आप खुद को बदली हुई भूमिका में महसूस करेंगे। इस राशि के जो लोग जिम जैसी एक्टिविटी से जुड़े हैं आज उन्हें किसी जिम क्लब से एज ए ट्रेनर ऑफर मिल सकता है। आपके व्यावसायिक जीवन में और व्यावसायिक कौशल में तेजी आएगी। आप एक मजबूत लगन के साथ पेशेवर दौड़ में खुद को आगे पाएंगे। आपको अपने पद और आय को एक समान बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। कार्यक्षेत्र में वर्कलोड बढ़ सकता है, जिसके लिए आपको काफी देर तक काम करना पड़ सकता है।
बेहतर होगा, शांति से काम को पूरा करें। आपको दूसरों की बात गंभीरता से सुननी चाहिए। स्वास्थ्य थोड़ा डाउन हो सकता है, बेहतर होगा। अच्छी सेहत के लिए जंक फूड को अवॉइड करें। आज आपको किसी सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा, दूसरों पर आपका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, किसी खास व्यक्ति से कांटेक्ट हो सकता है, आप सफलता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाएंगे, आपकी पारिवारिक इनकम बढ़ सकती है, किसी नए काम की योजना बन सकती है, आपकी मेहनत का पुरस्कार आपको मिल सकता है, जीवन साथी के साथ आज कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे, आज आप घर के जरूरत का सामान खरीदने मार्केट जाएंगे, बच्चों के लिए कोई खिलौना भी खरीद कर लाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। धन राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, उनसे पैसों के मामले में मदद मिल सकती है, घर के रुके हुए काम निपटाने का मन बनाएंगे, सोचे हुए सभी काम समय से पूरे हो जाएंगे, माता से मदद और प्रेम मिलेगा, पुराने दोस्तों के साथ शाम को गेट टुगेदर का प्लान बनेगा, आज आपके व्यापार में अच्छा लाभ होने की संभावना है, आज ऑफिस के किसी कार्य से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपका दिन नॉर्मल रहेगा, पारिवारिक मामले आज आपके पक्ष में रहेंगे, आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, शाम को दोस्तों के साथ हंसी मजाक भरा बर्ताव वातावरण को खुशनुमा बना देगा, परिवार के किसी काम पर पैसा खर्च हो सकता है, किसी शॉपिंग सेंटर में वाहन से जा रहे हैं तो गाड़ी को पार्क करने के बाद लॉक करना ना भूलें, वकीलों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है, किसी क्लाइंट से अच्छा धन लाभ होगा, साथ ही नए क्लाइंट भी जुड़ेंगे, घर में नन्हे मेहमान के आने से खुशी का माहौल बनेगा, आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा, इस राशि के जो छात्र डांस क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं आज का दिन उनके लिए बेहतर है, उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है, दिनचर्या में कुछ अच्छा बदलाव होगा, कोई दोस्त आपकी मदद करना चाहेगा, व्यापार में भागीदारी से लाभ होगा, रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे, आज अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं, लवमेट आज आपको कहीं घूमने चलने के लिए कह सकते हैं, अविवाहित जातकों के विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे, कुल मिलाकर आपका आज का दिन अच्छा रहेगा, आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा, अनुकूल रहेगा, कोई काम आज सुखद परिणाम लेकर आएगा, लोग आपके किसी काम के लिए प्रशंसा करेंगे जिसे आप बहुत समय से सुनना चाहते थे, इस राशि के जो लोग विवाहित हैं आज का दिन उनके लिए बहुत ही बढ़िया है, आपको जीवन साथी से कोई उपहार मिल सकता है, व्यापार में भी अच्छा मुनाफा हो सकता है, मित्रों का सहयोग बना रहेगा, आज आपके व्यापार में रोज की अपेक्षा ज्यादा मुनाफा होगा, घर जाते वक्त साथ में मिठाइयां लेकर जाएंगे, आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज थोड़ी देर योग करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी धर्मशाला में मच्छरदानी दान करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज अपने परिवार के साथ घूमने जा सकते हैं, इससे परिवार के लोगों के बीच मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 2, आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है, लवमेट्स के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। मूलांक 3, आज कारोबार में काफ़ी सुधार होगा, साथ ही आपको आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त होंगे। मूलांक 4, ऑफिस में दोस्तों के सहयोग से आपका प्रोजेक्ट पूरा होगा, साथ ही पदोन्नति के योग बन रहे हैं। मूलांक 5, आज आपको सरकारी विभाग में नौकरी मिल सकती है, इस खुशी में घर पर छोटी सी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। मूलांक 6, आज का दिन बेहतर रहेगा, व्यवसाय के क्षेत्र में अधिक लाभ मिलने के संकेत बन रहे हैं। मूलांक 7, आपके घर पर कोई रिश्तेदार आ सकता है, परिवार में खुशी भरा माहौल रहने वाला है। मूलांक 8, दोस्तों व सगे संबंधियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, आपके व्यवसाय में मददगार साबित होंगे। मूलांक 9, आपका मन धार्मिक स्थल पर ज़्यादा लगेगा, आप धार्मिक स्थल पर दर्शन करने भी जा सकते हैं।
और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज चर्चा करेंगे कि आपके शरीर के किसी हिस्से में अगर तकलीफ हो गई हो तो किस दिशा के वास्तु में सुधार करने से उस तकलीफ से मुक्ति पाई जा सकती है। तो ध्यान दीजिए, अगर दिमागी परेशानी है तो नॉर्थ वेस्ट, अगर पेट संबंधी परेशानी है तो साउथ वेस्ट, अगर पैरों में दिक्कत है तो पूर्व दिशा, अगर कान संबंधी परेशानी है तो उत्तर दिशा, अगर हाथों में दिक्कत है तो नॉर्थ ईस्ट, अगर कमर में परेशानी है तो साउथ ईस्ट, अगर आंखें ठीक रखनी है तो दक्षिण, अगर मुख यानी चेहरे को निरोगी और तरोताजा रखना चाहते हैं तो पश्चिम दिशा के वास्तु को ठीक कीजिए। आपको आराम जरूर मिलेगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की उदया तिथि तृतीया और बुधवार का दिन है। तृतीया तिथि आज दोपहर बाद 3:10 तक रहेगी। आज देर रात 1:21 तक रवि योग रहेगा। सूर्य जिस नक्षत्र में गोचर करता है उस नक्षत्र से चौथे, छठे, नवें, दसवें, तेरहवें अथवा 20वें नक्षत्र पर जब चंद्रमा संचार करता है, गोचर करता है, तब रवि योग होता है, बनता है। रवि योग बहुत ही शुभ माना जाता है। रवि योग में 13 प्रकार के कुयोगों का स्वतः ही विनाश होता है। अतः रवि योग में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। साथ ही आज देर रात 1:21 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है। ये एक शुभ नक्षत्र है। इस नक्षत्र के दौरान शुभ कार्य करने से सफलता मिलती है। नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। इस नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में ही आते हैं, लिहाजा पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है। इसके स्वामी ग्रह शनिदेव हैं। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है। वनस्पतियों में पुष्य नक्षत्र का संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा पुष्य नक्षत्र के दौरान जन्मे जातकों को आज के दिन पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और हाथ जोड़कर उसे नमस्कार करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले रवि योग और पुष्य नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे बुध और गुरु के नक्षत्र प्रवेश के बारे में। आज सुबह 7:16 पर बुध मृक्षिरा नक्षत्र में प्रविष्ट हुए हैं और 27 जून की दोपहर 3:12 तक मृक्षिरा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र में प्रविष्ट हो जाएंगे। बुध के मृक्षिरा नक्षत्र में गोचर के प्रभाव से वर्षा होने की संभावना है। गेहूं, चना, अन्न आदि के मूल्य कम होंगे। रुई में तेजी आएगी। सरसों, अलसी और बिनौला, इनके मूल्यों में फ्लक्चुएशन होगा। इसके अलावा आज दोपहर 12:07 पर देव गुरु बृहस्पति भरणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 26 नवंबर की देर रात 3:12 तक भरणी नक्षत्र में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु के भरणी नक्षत्र में गोचर के प्रभाव से धातु, तांबा, पीतल, अलसी, गेहूं, जौ, चना, तेल, तिल, सरसों के मूल्य पहले कम होंगे और उसके बाद बढ़ेंगे। तो ये थी चर्चा बुध के मृक्षिरा नक्षत्र और गुरु के भरणी नक्षत्र में प्रवेश की। और अब बात करते हैं आज मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। भारत प्राचीन काल से ही योग से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि योग की शुरुआत भारत से ही हुई थी। पहले की अपेक्षा पिछले कुछ सालों में लोगों में योग के प्रति काफ़ी रुचि आई है। अब लोग समझने लगे हैं कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में टेंशन व स्ट्रेस को दूर रखने के लिए और अपने आप को फिट रखने के लिए योग बहुत आवश्यक है। योग हमारे शरीर व दिमाग को स्वस्थ बनाता है। योग अब सिर्फ भारत की विरासत ही नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान बन चुका है। योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव का अमेरिका, चीन, कनाडा समेत अन्य कई देशों ने समर्थन किया और 11 दिसंबर 2014 को कुल 193 देशों ने इसे मंजूरी देते हुए प्रत्येक वर्ष 21 जून को योग दिवस मनाने का फैसला किया। पूरी दुनिया में एक साथ पहली बार 21 जून 2015 को योग दिवस मनाया गया था। इस खास दिन के लिए 21 तारीख को ही चुनने के पीछे एक तर्क था। ये दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है
और योग भी व्यक्ति को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। योग न सिर्फ शरीर को दुरुस्त रखता है बल्कि मानसिक रूप से भी ये फायदेमंद है। योग से व्यक्ति का दिमाग स्वस्थ रहता है, योग शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है तथा ये हमें स्वास्थ्य संबंधी होने वाली समस्याओं से लड़ने में मदद करता है। योग करने के कारण हमारे शरीर तथा हमारी मांसपेशियों में खून का प्रवाह तेज हो जाता है, जिससे हमारी त्वचा कोमल, सुंदर तथा मुलायम हो जाती है। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में चर्चा। और अब आगे बढ़ने के पहले मैं एक बार पुनः याद दिला दूं कि आधुनिक पतंजलि स्वामी रामदेव ने योग के प्रचार प्रसार के लिए पिछले कुछ वर्षों में जो कार्य किया है वो कार्य निश्चित रूप से श्लाघ्य है, स्तुत्य है, अनुकरणीय है और उसके लिए स्वामी रामदेव हर प्रकार से प्रशंसा के पात्र हैं। उनकी अभ्यर्थना की जानी चाहिए और उन निश्चित रूप से बहुत बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने पूरे विश्व में योग को, महर्षि पतंजलि के संदेश को पहुंचाने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। बहुत बहुत बधाई स्वामी रामदेव जी। तो अब आगे बात करते हैं आज रवि योग और पुष्य नक्षत्र के संयोग में किए जाने वाले विशेष उपायों की चर्चा, जिसे करके आप अपने जीवन में चल रही समस्त समस्याओं का समाधान निकालने में सफल होंगे। अगर कोई व्यक्ति आपके परिवार पर बुरी नजर रखता है और वो आपकी पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज आपको थोड़े से राई के दाने लेने चाहिए और उन्हें अपने घर के प्रत्येक कमरे के एक कोने में थोड़ा थोड़ा रख दीजिए। आज पूरा दिन उन दानों को वहीं पर रखकर रहने दें और कल सुबह उठकर उन दानों को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे रखें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने परिवार के खिलाफ बुरी नज़र रखने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने में कामयाब होंगे। अगर आप नौकरी में अपना मनचाहा प्रमोशन कराना चाहते हैं या किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं तो आज बाजार में सिंघाड़े का आटा लेकर आएं और उसकी रोटियां बनाएं। जब रोटी बन जाए तो उन पर दो मूली रखकर मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दान कर दें। अगर आप स्वयं रोटियां न बना सकें तो घर में किसी और से बनवा लें, लेकिन मंदिर या धर्मस्थल पर देने के लिए आपको स्वयं जाना चाहिए। अगर आप बहुत दिनों से अपनी बात किसी के सामने रखना चाहते हैं लेकिन आप बात रखने से घबरा रहे हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आज के दिन जब भी आप अपनी बात किसी दूसरे के सामने रखने जाएं तो अपने साथ एक सफ़ेद फूल जरूर लेकर जाइए। साथ ही अगर हो सके तो वो फूल उस व्यक्ति को दे दें जिससे आप मिलने वाले हैं। आज ऐसा करने से आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे और आपका काम भी बन जाएगा। अगर आप नया घर बनवाने जा रहे हैं या आपके नए घर का काम पहले से चल रहा है तो आज के दिन अपनी ज़मीन में चांदी का छोटा सा टुकड़ा जरूर दबाएं। लेकिन अगर आप किसी नए घर का निर्माण नहीं करा रहे हैं और पहले आपका घर बना हुआ है तो आज के दिन चांदी का छोटा सा चौकोर टुकड़ा खरीदकर अपनी तिजोरी में रख लें। अगर एजुकेशन से संबंधित किसी काम को पूरा करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें सफलता पाने के लिए आज के दिन देवी सरस्वती के इस मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। आज के दिन देवी सरस्वती के इस मंत्र का 21 बार जप करने से एजुकेशन संबंधी आपके सारे काम समय पर पूरे होंगे। अगर आप किसी सामाजिक संगठन या बड़े बिजनेस ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं लेकिन आपको एक के बाद एक कागजी कार्यवाही परेशान कर रही है तो आज के दिन आप माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए उन्हें पीले फूल अर्पित करें। नॉर्मली माता सरस्वती को सफ़ेद फूल दिए जाते हैं, यहाँ पीले फूलों का मामला। आज के दिन ऐसा करने से आपको किसी सामाजिक संगठन या किसी बड़े बिजनेस ग्रुप के साथ जुड़ने में आ रही कागजी कार्रवाई की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। अगर आपको उन्नति के मामले में आज दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है तो आज के दिन पुष्य नक्षत्र के दौरान आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर एक कच्चे सूत के धागे का गोला लेना चाहिए। इसके बाद पीपल के पेड़ के पास जाना चाहिए और उसके तने पर 7 बार वो कच्चा सूत लपेटना चाहिए। फिर दोनों हाथ जोड़कर शनिदेव का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं श्रीं ह्रीं शनैश्चराय नमः। ओम ऐं श्रीं ह्रीं शनैश्चराय नमः। आज के दिन ऐसा करने से आपकी उन्नति के मार्ग में जो भी रुकावटें आ रही हैं उससे जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने धन धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि के कार्यों से निवृत्त होकर
अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर जल में थोड़ा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। अगर आप अपने बिजनेस साझेदार के व्यवहार को लेकर कुछ परेशान हैं या वो आपके बिजनेस में कुछ गड़बड़ कर रहा है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन के लिए आज के दिन आपको सूखी लाल मिर्च के बीज लेकर अपने ऊपर से 7 बार उतारने चाहिए, 6 बार क्लॉकवाइज और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद अपने ऊपर से उतारने के बाद सूखी मिर्च के दानों को आग में जला दें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने काम में जरूर सफल होंगे। और अगर आप अपनी तरक्की के लिए विदेश जाने के इच्छुक हैं तो आज के दिन एक सफ़ेद कपड़े या सफ़ेद रंग के कोरे कागज पर एक मुट्ठी चावल, थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी मिश्री, धागे वाली मिश्री जो है, और थोड़ी मोटी मोटी, मतलब एक मुट्ठी चावल और थोड़ी मोटी मोटी मिश्री रखकर उसे जल में प्रवाहित करते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी विदेश जाने की इच्छा जल्दी ही पूरी होगी और आपको अपने कार्यों में तरक्की मिलेगी। अगर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन स्नान के बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, साथ ही शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपकी सभी परेशानियों का हल निकलेगा। अगर मकान या किसी अन्य जमीन को लेकर आपका किसी से वाद विवाद चल रहा है, वो आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, तो इस सिलसिले में आगे की बात करने के लिए और अपना पक्ष मजबूत करने के लिए आज पुष्य नक्षत्र के दौरान आपको नीले या काले रंग के आसन पर बैठकर या फिर नीले या काले कपड़े पहनकर इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम शं यो देवी रभिष्ट आपो भवंतु पीतये शं यो रभि स्रवंतु नः। तो यह सारी चर्चा थी आज रवियोग, पुष्य नक्षत्र, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। साथ ही हमने विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए आज के दिन क्या उपाय करने चाहिए इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित फायदा उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज आपको कॉलेज में कोई नया प्रोजेक्ट मिलेगा जिसे आप आसानी से पूरा कर लेंगे। B, आज पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जिससे आपको काफ़ी खुशी होगी। C, आप कोई नया फ़ोन खरीद रहे हैं तो आपको उसमें छूट मिल सकती है। D, दांपत्य जीवन में खुशी आएंगी, आपकी लाइफ काफ़ी खुशहाल रहेगी। E, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, आपको काफ़ी फायदा भी होगा। F, आज का दिन अच्छा रहेगा, आपके रुके हुए सारे काम पूरे हो जाएंगे। G, दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जा सकते हैं, कुछ चीज़ों पर भारी छूट मिल सकती है। H, किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी, इस अवसर पर आपका परिवार काफ़ी खुश होगा। I, आज का दिन बेहद शुभ रहेगा, कोई नया वाहन खरीदने जा सकती है। J, विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा, एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। K, आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। L, धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। M, बिजनेस के लिए कोई मीटिंग करने जाएंगे, आपको सफलता जरूर मिलेगी। N, परिवार के साथ घूमने जाएंगे, आज आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। O, दैनिक कार्य आज पूरे होंगे, साथ ही आपका कोई बड़ा काम भी बनेगा। P, पैसों में आज सावधानी बरतनी होगी, उधार के लेन देन से भी बचिए। Q, अगर कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहेगा। R, मित्रों का सहयोग मिलेगा, आपका रुका हुआ प्रोजेक्ट भी पूरा होगा। S, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। T, पदोन्नति के योग बन रहे हैं, शाम को घर पर पार्टी का आयोजन करेंगे। U, आपको जिंदगी में बेहतरीन मौके मिलेंगे जिससे आप काफ़ी आगे तक जाएंगे। V, आज पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी, आप काफ़ी प्रसन्न महसूस करेंगे। W, आज का दिन बच्चों के लिए अच्छा जाएगा, माता पिता के साथ कहीं घूमने जाएंगे। X, व्यापार के मामले में दिन अच्छा रहेगा, साथ ही आपको अधिक धन लाभ होगा।
वाई आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा, आपके नए कार्यों में किस्मत आपका साथ देगी। जेड आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी, साथ ही आपकी जरूरतें भी पूरी होंगी। और अब बात आज के तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं मथुरा के राधा कुंड के दर्शन। कुंड के किनारे अहोई माता का मंदिर भी है, स्नान से पहले लोग इस मंदिर में अहोई माता की पूजा अर्चना भी करते हैं। इस कुंड के बारे में एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पर स्नान करने से जाने अनजाने में हुई गलतियों की उलझनों से छुटकारा मिलता है। तो आज के दिन आप भी घर बैठे कीजिए इस पवित्र राधा कुंड के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे शंकु के आकार के चेहरे वाले लोगों के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का चेहरा शंकु के आकार का, यानी जिसमें चेहरे की आकृति ऊपर की तरफ से चौड़ी लेकिन नीचे की तरफ से संकरी, या कहें बहुत कम चौड़ी होती है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। पंच तत्वों में से शंकुआकार आकृति का संबंध अग्नि तत्व से माना जाता है, अतः ऐसे लोगों पर अग्नि तत्व का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ये लोग गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, इनमें धैर्य बिल्कुल भी नहीं होता, ये छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। हम कह सकते हैं कि ये लोग बहुत ही गर्म मिजाज के होते हैं, इसलिए इनके सामने कोई भी ऐसी बात करने से बचना चाहिए जिससे इन्हें गुस्सा आ जाए, क्योंकि अपने गुस्से में ये दूसरों को भी नहीं छोड़ते और इसका सीधा असर इनके रिश्तों में पड़ता है। सामुद्रिक शास्त्र में ऐसी चर्चा शंकु के आकार के चेहरे वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 21 जून को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है, ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। तृतीया तिथि आज दोपहर बाद 3:10 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी जो कि कल शाम 5:28 तक रहेगी। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुल उन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ रिंग 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 फट फट ठह ठह ए हे हि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज तुलसी के पत्ते का सेवन कर घर से निकलिए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।